नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। ये नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। राजधानी लखनऊ के दुग्गौर चिन्हट प्राथमिक विद्यालय की स्थिति बहुत ही दयनीय है। स्कूल में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। स्कूल में कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं है। मीडिया के पहुंचने की जानकारी होते ही कर्मचारियों ने गेट पर ताला लगवा दिया। काफी प्रयास के बाद ताला खुलवाया गया। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। आपको बता दें कि स्कूल में शौचालय में भी गंदगी की भरमार है। वहां पर कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आता, साथ ही स्कूल में पानी भी नहीं आता। वहां के प्रिंसिपल से बात करने पर पता चला कि 10 दिन से मोटर खराब है। कई बार प्रधान को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक बनवाया नहीं गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्कूली बच्चों से कराया जाता है सफाई का काम। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट, हमारे संवाददाता रंजीत राणा के साथ आशु कन्नौजिया की रिपोर्ट। और आपने ताला डाल दिया, गेट क्यों आपने बंद कर दिया? बच्चों से मैं पूछना चाह रहा था कि बच्चे मैं बच्चों से बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या पढ़ाई हो रही है, क्या यहाँ पे सुविधाएं दी जा रही है। यहाँ के प्रधानाचार्य जो है, यहाँ पे मैडम जो है यहाँ की, उन्होंने प्रिंसिपल यहाँ का दरवाजा बंद कर दिया। हम लोग बाहर नाली का लाइव कर रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने गेट बंद करके ताला डाल के सारी लोग इकट्ठा जाके बैठ गए, यहाँ से गायब हो गए हैं। अब बच्चों से जो है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कितना मनमानी से यहाँ, कितना अच्छाई से पढ़ाई हो रही, कितना सहूलियत दिया जा रहा है बच्चों को। ना तो समय से स्कूल खुल रहा है, ना बच्चों को कोई सुविधाएं दी जा रही हैं। और जब हम यहाँ पे पहुंचे मौके पर लाइव करने, यहाँ जानकारी हासिल करने, तो यहाँ पे जो अध्यापक हैं, इन्होंने गेट बंद कर दिया। नमस्कार, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ प्राइमरी स्कूल जुगौर इंग्लिश मीडियम। यहाँ पे मैं आया, अंदर कुछ बच्चों से जानकारी लेना चाह रहा था। पहले तो मुझसे गेट पे बहस किया गया, गेट में ताला पड़ा हुआ दोनों साइड। उसके बाद मैं बाहर नाली का फोटो लेने निकला, अंदर किसी तरह मैं प्रवेश हुआ और नाली का लाइव करने के लिए निकला, तुरंत सारे कर्मचारी तुरंत गेट बंद करके ताला डाल दिए। मुझसे कह रहे हैं कि इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें इस समय मैं किसी मीडिया वालों को परमिशन नहीं दूंगा अंदर आने के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये सर कहना चाहते हैं, प्राइमरी स्कूल दुग्गौर चिन्हट लखनऊ इंग्लिश मीडियम जो है, यहाँ पर जो है स्कूल में ताला लगा दी जाएगा। और बच्चों से मैं जानकारी लेना चाहता था 24/7 प्रश्न जो है न्यूज लाइव टीवी से माध्यम से, कि बच्चों को जानकारी लेना चाह रहा था कि जो है पढ़ाई अच्छी हो रही है, आपके सर प्रधानाचार्य और अध्यापक आपका अच्छा पढ़ाती हैं, तो उन्होंने ताला लगा दिया और उसके बावजूद भी ताला लगा दिया, नहीं खोला गया। दूसरे जो है, मैं कृष्णपाल सिंह हूँ, सूचना जनसंपर्क विभाग से जिला पत्रकार, जो यहाँ पर स्कूल के बाहर जो है विकासखंड अधिकारी जो है वो वहाँ, इनको जो है हमने गया था, अप्लीकेशन भी दिया, उसके बावजूद भी विकासखंड अधिकारी यहाँ पर मौके पे नहीं आए। और सचिव हैं कमलेश और पूर्व प्रधान जो रह चुके हैं सूबेदार जी, और मौजूदा BDC हैं और प्रदीप प्रधान जो है, इनके द्वारा जो है काम काफ़ी कार्य कराया गया है। 26 जनवरी 15 अगस्त को लड्डू वितरण कराए जाते हैं और जो भी है सारा जो है यहाँ पर करते हैं। हमारे द्वारा चैनल के माध्यम से इंडिया 24/7 की मतलब इससे कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, कि जो है प्रधान और BDC और कमलेश भैया के द्वारा जो है इसका जो है विकास कराया जाए। बस सूचना जनसंपर्क विभाग से यही जो मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं यहाँ पे मैम से बात करने जा रहा हूँ, प्रधान अध्यापक से, देखते हैं इनकी क्या राय है, क्या कहना चाहती हैं, आप क्या कहना चाहती हैं स्कूल के बारे में? स्कूल हमारा सुचारू रूप से चल रहा है, आपने कैंपस देख ही लिया है। जी तो ठीक है, बच्चे आते हैं टाइम से, आते हैं टाइम से हमारा स्कूल, सभी अध्यापक आते हैं पढ़ाने। जी, यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ लेटरिन बाथरूम जो बना शौचालय हमारा, इसमें पानी नहीं आ रहा है। अभी मैंने देखा सीट के उसमें डब्बा पड़ा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती? पानी नहीं आ रहा, जैसे बच्चा डाल गया होगा अभी, ये चलिए वो मोटर खराब है, मोटर किसी ने बनवाया नहीं, किसी को सूचना दिया गया बनवाने की? सूचना दी गई है, प्रधान जी ने कहा कि बनवा देंगे। प्रदीप प्रधान, चलिए, कितने दिन से मोटर खराब है? 25 दिन उन्होंने कहा कि 8-10 दिन हुए दुग्गौर और बीरमपुर के जो है सुबेदार समरसेबुल है, उसी से काम चल रहा है अभी। अच्छा। भाई यहाँ पर 1-2 समरसेबुल है ना, तो पानी की थे, प्रधान जी ने कहा हम बनवा देंगे इसको और उसी से तब तक काम चलता है।
पीछे इतनी गंदगी पड़ी हुई है, और पूरा देख रहा हूँ पीछे बहुत गंदगी है। ये यहाँ पे सफाई वाला कोई सफाई कर्मचारी नहीं है? आता है सफाई कर्मचारी वाला, नहीं है उसके साथ कभी। इसी के साथ खबर आ रही है एटा से, जहाँ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दो दिन पूर्व थाना बागवाला क्षेत्र में हुई नाबालिग बालिका की हत्या का हुआ खुलासा। आरोपी बाल अपचारी गिरफ्तार। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि मृतका की मां ने कुछ दिन पूर्व ट्यूबवेल की हौद का पानी गंदा करने को लेकर सार्वजनिक रूप से आरोपी बाल अपचारी के साथ मारपीट की थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर बाल अपचारी ने मृतका की मां से बदला लेने की नीयत से उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार करने में असफल होने पर उसकी हत्या कर दी। थाना बागवाला पर इस आशय की सूचना दी गई कि उसकी पुत्री जो अपनी मां को खेत में पानी देने गई थी, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को खेत में छुपा दिया गया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा सूचना पर तत्काल उच्च अधिकारियों के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा प्रभारी निरीक्षक थाना बागवाला को घटना के शीघ्र अनावरण तथा थाना अध्यक्ष जैत्रा व जनपदीय स्वाट टीम को वांछित सहयोग हेतु निर्देशित किया गया। 14 अक्टूबर को थाना बागवाला व जैत्रा पुलिस तथा जनपदीय स्वाट टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उक्त घटना के आरोपी बाल अपचारी को ग्राम लोहाखार के पास से करीब 4:15 पर गिरफ्तार किया गया है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए राघवेंद्र यादव की रिपोर्ट। ये थाना बागवाला क्षेत्र में 12 अक्टूबर को दिन में एक नाबालिग बच्ची लगभग 11 साल की अपनी माँ को जब वो पानी के साथ जा रही थी खेत में देने को, उस समय संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थी। परिजनों द्वारा काफ़ी उसकी तलाश की गई और बाद में देर शाम को उसकी डेड बॉडी जंगल में एक बाजरे के खेत में मिली थी। सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने उस समय घटनास्थल का निरीक्षण भी किया था। घटना के खुलासे के लिए क्राइम ब्रांच स्वाट सर्विलांस टीम थाना जैतरा और बागवाला की अलग अलग 3 टीमें लगाई गई थी। आज उस पुलिस टीम को सफलता मिली है और इस पूरी घटना का खुलासा हुआ है। इसमें जो आरोपी पकड़ा गया है गजराज उर्फ गज्जू, ये उसी गांव का रहने वाला है और इसने ये पूछताछ पे पूरी घटना का जुर्म इकबाल किया है। इसने ये बताया है कि कुछ महीने पहले जो मृतक बच्ची थी उसके भाई को इसने पिटाई की थी और उस भाई की शिकायत पे उसकी मां ने इनको सार्वजनिक रूप से पिटाई भी की थी, अपमानित भी किया था और कई अन्य मौक़ों पे भी घटना से लगभग 5 दिन पूर्व भी उन्होंने इनको अपमानित किया और मारपीट की थी। उस अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने उस दिन जब बच्ची अपनी मां के लिए पानी लेके सड़क गांव के रास्ते से पगडंडी से खेत के लिए माँ के पास जा रही थी, ये बाजरे के खेतों से छुपते हुए वहाँ शौच करने के बहाने लोटा लेके पहुँचे और जंगल में जहाँ खेतों के बीच में उसको अकेला पाके उसको ज़बरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। उसके द्वारा जब प्रतिरोध किया गया और दराँती से इन पे वार किए गए, अन्य तरीक़ों से भी अपना बचाव किया गया और जब वो चिल्लाना शुरू की तो इसने उसके दुपट्टे से उसका मुँह दाब दिया और फिर उसको वहाँ पर मार दिया। जब मारने के बाद जब कुछ अन्य लोग जो खेत में काम कर रहे थे वो उस रास्ते से गुजरे तो इसने उन लोगों को ये गुमराह करने की कोशिश की कि उधर कोई विषाक्त जानवर या विषाक्त अन्य चीज़ें पड़ी हैं जहाँ से उस लोगों के जाने पे जीवन भय हो सकता है, तो इस आधार पे लोग वहाँ से हट गए। बाद में देर शाम को जब ये जानकारी मिली कि वो बच्ची गायब है और उसकी डेड बॉडी वहाँ से मिली है तो तब इससे पुलिस द्वारा पूछताछ की गई। ये लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा और पुलिस के हर मूवमेंट को खुद चेक करता रहा। काफ़ी देर बाद जब चश्मदीदों के सामने इसको रखा गया, उनके परिजनों के सामने इसको बातचीत की गई, तब इसने धीरे धीरे पूरी घटना का इकबाल किया और फिर सारे घटनाक्रम का स्वयं खुलासा किया। इसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, नियमानुसार इसका कोर्ट में बयान भी होगा और इसको न्यायालय के समक्ष पेश करके फिर भेजा जाएगा। आरोपी ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की थी उस बच्ची से दुष्कर्म करने की। उस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार लगभग 8 चोटें शरीर के अलग अलग हिस्सों में उसको आई हैं और उसने अपना बचाव का भरसक प्रयास भी किया था लेकिन इसके द्वारा उसको मुंह दबा के दुपट्टे से उसकी हत्या की गई थी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पूरी घटना का तारतम्य बिल्कुल साफ झलक रहा।
गांव के कुछ चश्मदीदों ने इस बात की पुष्टि की कि यह संदिग्ध परिस्थितियों में उधर घूमता हुआ दिखाई दिया था और इसने कुछ लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी कि वो लोग उधर न जाएं। इसके अलावा भी इसकी आम शोहरत गांव में बहुत अच्छी नहीं है। पहले भी इसके खिलाफ गांव में कई सारे मामले इस तरह के आए हैं जो थाना पुलिस तक नहीं पहुँचे और वो शिकायतें गाँव में ही लोगों के द्वारा सुलझा ली गई थी। लेकिन इसमें सर जो अब तक रहा उसमें सिर्फ ये रहा कि इसने जो बच्ची की हत्या हुई उसकी माँ से को नीचा दिखाने के लिए पूरा घटना कर दिया। ये विकृत मानसिकता का आदमी है और इस आरोपी द्वारा माँ को सबक सिखाने के लिए उस बच्ची के साथ इस तरह की दुष्कर्म की घटना कारित करने का इसके द्वारा जबरन प्रयास किया गया और जिसका उसके द्वारा विरोध करने पे, उसके द्वारा चिल्लाने पे, इसके द्वारा उसका मुंह दबा के उसकी हत्या कर दी गई।